इस संपूर्ण क्रांति दिवस पे पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के MLA MP और इनके समर्थित, जैसे हरियाणा में जज्बा है और निर्दलीय विधायक है, इनके निवास स्थानों के बाहर, इनके कार्यालयों के बाहर इन तीन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का काम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर आज किया। 5 जून 2020 को सरकार ये जो तीन कृषि कानून बाद में बने हैं, ये तीन अध्यादेश लेकर आई थी, उसको आज एक साल हो गया है पूरा। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा काम कर रहा है दिल्ली में, पूरे देश के किसान संगठनों का, उनके दिशा निर्देश में, उनके आह्वान पर आज पूरे देश में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया। इस संपूर्ण क्रांति दिवस पे पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के MLA MP और इनके समर्थित, जैसे हरियाणा में जज्बा है और निर्दलीय विधायक हैं, इनके निवास स्थानों के बाहर, इनके कार्यालयों के बाहर इन तीन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का काम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर आज किया। विधायक जी को इस चुनाव में निर्दलीय जिताने में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा अहम योगदान रहा है, विधायक जी मानते भी हैं ये बात को। देखिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को जागरूक के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, और इस तरह के लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजने पड़ेंगे जो जनता की मांगों को सरकार अगर नज़रअंदाज करेगी, जनता की मांगों की अनदेखी करेगी, वो विधायक और वो सांसद इस्तीफा अपनी जेब में रखें कि अगर मेरे क्षेत्र की इस मामले में अनदेखी हुई, मेरे क्षेत्र की जनता की इस मामले में अनदेखी हुई, तो ये मेरा इस्तीफा है। तो इस तरह का प्रचलन जब चलेगा तब इस देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों से दमनकारी नीतियाँ अपनाई हुई है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, खासकर ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं, जो पंचायत के चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, चाहे जिला परिषद में है चाहे जहाँ भी, उनको सबक सिखाने का काम करें और आपसी भाईचारे में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सर्वसम्मति बनाएं। लेकिन युवा साथियों से अनुरोध है, आप जोश के साथ साथ होश से काम लेना होगा, आपको अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलना होगा। और रही बात, अगर आप नहीं जाके, जैसे देश में किसान मजदूर को बचाने की क्रांति चली है, अगर आप नहीं जाके तो आने वाले समय में नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, और जब ये नस्लें बर्बाद हो जाएंगी तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपसे ये सवाल भी करेंगी कि जब देश आर्थिक रूप से गुलाम हो रहा था, जब देश में अहंकारी लोगों का शासन था, और जब ये तीन कृषि कानून, ये मजदूर विरोधी सरकार इस तरह के कानून लेकर आ रही थी, जैसे BPL का लेकर आए हैं कि तेल और दाल ख़त्म कर दिया BPL का, तो फिर आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि उस समय जब ये सरकार का अहंकार चरम सीमा पर था, उस समय आप कहाँ थे? तो ये जवाबदेही आने वाले समय में युवा पीढ़ी की बनेगी। मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए इस सरकार से लड़ना पड़ेगा। इस संपूर्ण क्रांति दिवस पे पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के MLA MP और इनके समर्थित, जैसे हरियाणा में जज्बा है और निर्दलीय विधायक हैं, इनके निवास स्थानों के बाहर, इनके कार्यालयों के बाहर इन तीन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का काम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर आज किया।